केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। तो ये लब्धवा पुमान सिद्धो भवति। भक्ति के मार्ग की सिद्धि क्या है? अणिमा, लंघिमा, महिमा, ये अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, इसके लिए तो श्री रूप गोस्वामी पाद कहते भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते। प्राप्त करना तो दूर की बात, भक्त के लिए इसका चिंतन भी महत अपराध है। भक्ति के मार्ग की सिद्धि वस्तुतः क्या है? कि भक्ति सौभाग्यवती हो जाए। सौभाग्यवती अर्थात भक्ति अपने परम विश्राम को प्राप्त कर ले, भक्ति अपने भाव में स्थिर हो जाए। क्या होता है कि निश्चित रूप से जीव दुर्बल है, और ब्रह्म अज्ञेय है, और माया प्रबल है। कैसे बात बने? जैसे एक नन्ना सा बालक गेंद उछालेगा, क्या होगा? गेंद लौट आएगी, ऊपर जाएगी, लौट आएगी। कोई कोई सबल व्यक्ति यही क्रिया करेगा, गेंद थोड़ी और ऊपर जाएगी और लौट आएगी। और कोई बहुत बलवान व्यक्ति यही क्रिया करेगा तो गेंद और ऊपर जाएगी और लौट आएगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि गेंद लौटकर वापस अवश्य आएगी। किसी में भी ऐसा बल नहीं है कि वो गेंद उछाले और गेंद आकाश का स्पर्श कर ले, नभमंडल को छू ले, ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो जीव तो वैसे भी दुर्बल है, माया प्रबल है, और ब्रह्म अज्ञेय है। तो क्या किया जाए? तो सर्वप्रथम भगवत कृपा का आश्रय, और भक्ति का स्वभाव नारद जी पहले बता चुके द्वितीय सूत्र में कि सा त्वस्मिन परम प्रेम रूपा। ये माता की तरह, जैसे जैसे माता बालक का पोषण करती है, जैसे धूल में सना बालक, कीचड़ में सना बालक मां की ओर जब दौड़कर आता है तो मां की दृष्टि कीचड़ पर नहीं जाती, बालक पर ही रहती है। मां उस कीचड़ से सने बालक को भी अपने हृदय से लगाती है, उसका परिष्कार करती है, उसका शोधन करती है, उसका श्रृंगार कर देती है फिर से। ठीक ऐसे ही भक्ति जीवन में आते ही जीव का श्रृंगार करती है, शम से, दम से, तितिक्षा से, संतोष से, दया से, मैत्री से, सौहार्द से, समर्पण से, श्रद्धा से, विश्वास से, ये जीव का श्रृंगार करती है। जब जीव भक्ति की शरण में आता है, जब जीव सर्व साधन का त्याग करके, भगवान आज्ञा करे ना, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब जीव सर्व साधनों का त्याग करके, कल भी मैंने निवेदन किया, परीक्षित के पास क्या था कि परीक्षित 7 दिन में भव संतन्न कर गए, जहां जन्म जन्म मुनि जतन कराही पे अंतराम कही आवत नाही। यहां जन्मों के प्रयास के बाद भी भगवत स्मरण नहीं होता, वहां परीक्षित 7 दिन में भव संतरण कर गए। परीक्षित के पास क्या था? परीक्षित के पास था विशुद्ध आश्रय। परीक्षित के पास किसी और साधन का आश्रय नहीं था। जैसे ही आपके जीवन से अन्य आश्रय हटा, आपका भाव सिद्ध हो जाएगा। जिस घड़ी भगवान का श्रीमुख वाक्य है, सन्मुख होई जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही, तत्काल
तो यल्लब्धवा पुमान सिद्धो भवति। और हमारे हमारे वृंदावन के एक संत तो बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे इसका, बोले कि भक्ति के मार्ग का साधक कौन है, जिसको भगवान प्रिय हो, और भक्ति के मार्ग पे सिद्ध कौन है, जो भगवान को प्रिय हो जाए वो सिद्ध है। जिसको भगवान प्रिय है वो साधक है, और जो भगवान को प्रिय हो जाए वो सिद्ध है। कल हनुमान जी के कथा में मैंने निवेदन किया ना कि एक पुस्तक ऐसी है जिसमें उन भक्तों की सूची है जो भगवान का भजन करते हैं, और एक पुस्तक ऐसी है जिसमें उन भक्तों का नाम है जिनका भजन भगवान करते हैं। जैसे मानस भरत जी के लिए कहती है कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपे राम राम जपे जय ही। भगवान भी अपने भक्त का भजन करते हैं। महाभारत में ये कथा आती है, द्वारिकाधीश ध्यान मग्न बैठे हैं, अर्जुन ने पूछा प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान के नेत्र सजल हो गए, अर्जुन से कहने लगे अर्जुन इस समय शरशैया पर पड़े भीष्म मेरा ध्यान करते हैं, और वो ऐसी विशुद्ध रीति से मेरा ध्यान करते हैं कि बलात् मेरे मन को, बलात् मेरे चित्त को खींच रहे हैं अपनी ओर। भीष्म मेरा ध्यान करते हैं, मैं अपने भक्त का ध्यान करता हूं। और पहले ध्यान कौन करता है, पहले भक्त भगवान का ध्यान करता है या भगवान भक्त का ध्यान करते हैं? पहले भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता, पहले भगवान भक्त का ध्यान करते हैं, तभी भक्त को ध्यान करने की योग्यता प्राप्त होती है। पहले भगवान स्मरण करते हैं भक्त का। केवल भगवान कहते हैं कि एक पग आप आगे बढ़ाइए, बाकी पग मैं चल के आऊंगा, लेकिन यह भी भगवान का केवल जीव को साधनोन्मुख बनाने का प्रयास है, अन्यथा प्रथम पग भी प्रभु ही बढ़ाते हैं। मैं तो अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं, आपकी चेतना जागृत हो, आपकी प्रज्ञा बुद्ध हो, आपकी बुद्धि में सत और असत का विवेक हो, फिर भी माया दुरत्या, फिर भी जीवन में ऐसा क्षण आ जाता है जब आप ना करने योग्य कर्म कर बैठते हैं, जानते समझते करते हैं, आप जानते हैं कि ये कर्म कृत नहीं है, ये करने योग्य नहीं है, फिर भी बलात् कोई आपको खींच कर ले जाता है उस कर्म के निकट, और आप कर्म फल के भोक्ता बन बैठते हैं। इसीलिए पहले भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता, पहले भगवान ही भक्त का ध्यान करते हैं, भगवान ही भक्त का स्मरण करते हैं, भगवान ही भक्त को भक्ति के योग्य बनाते हैं। तो भक्ति के मार्ग की सिद्धि क्या है? भक्ति के मार्ग की सिद्धि यही है, जैसे 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 वृंदावन की गोपियां हैं, सूरदास कहते हैं ना, प्रेम के बस अर्जुन रथ हां क्यों, भूल गए ठकुराई हरे कृष्णा, भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत रची वृंदावन, गोपिन नाच नचाई हरे कृष्णा, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई। जो भगवान को वश में कर ले, ऐसी निष्किंचना भक्ति, जब सर्वथा अहम शून्य होकर, अन्या विलाशिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों स्थितियों में स्वसुख की कामना न रहे, जैसे कबीर कहते हैं ना, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। साधक कौन? जो भगवान का भजन करे। और सिद्ध कौन? जिसका भजन भगवान करते हो।
ये भक्ति के मार्ग की सिद्धि है। यह लब्धवा पुमान सिद्धो भवति, और भक्ति की कृपा से, भक्ति के अनुग्रह से ऐसा होता है। भक्ति यही सिद्धि तो प्रदान करती है। अभी अभी मैंने पूर्व निवेदन किया कि देखिए, ज्ञान योग कर्म सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। निष्फल कुछ नहीं, निरर्थक कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। इसीलिए सबका यथोचित आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो। परंतु इनकी उपयोगिता के साथ साथ इनकी अपनी एक सीमा भी है। भक्तयाहम एकया ग्राह्य, भगवान तो कहते हैं कि और कोई बात मत करिए, मैं केवल भक्ति से ही ग्रहण होता हूं। केवल भक्ति, निष्काम भक्ति, विशुद्ध भक्ति, निष्किंचना भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्किंचना। आप देखिए, सूरदास क्या परिचय देते हैं अपना, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूर क्रूर इस लायक नाही, कहां लग करो बड़ाई। हरे कृष्णा कहां लग करो बड़ाई। सूर कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, और आप गोपाल से पूछिए, आप श्याम सुंदर से पूछिए कि सूर क्या है, तो भगवान उत्तर देते हैं, हों भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त ऐसा है जो कहता है कि भगवान के चरणों की रज में भी स्थान मिल जाए तो भी बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह। और भगवान ऐसे हैं कि चरणों में नहीं, हो भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, बोले चरणों में नहीं, ये मेरे मस्तक पर धारण किए जाते हैं। महाभारत में वर्णन आता है ना कि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल संध्या होने से पहले मैं एक पांडव का अंत कर दूंगा। भीष्म से युद्ध होने वाला है अर्जुन का, निश्चित है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भीष्म की प्रतिज्ञा है कि कल सायं होने से पहले मैं अर्जुन का अंत कर दूंगा। भगवान द्रौपदी को वचन दे चुके हैं कि तुम्हारे केश बंधेंगे। इस पे भरतखंड की साम्राज्ञी का सिरमौर सजेगा। ले गए द्रौपदी को भीष्म के शिविर में, और बाहर जब द्रौपदी अपनी पादुका उतारने लगी तो भगवान ने कहा, अरे मैंने तुमसे कहा था कि नंगे पांव आना, शत्रु के शिविर में आए हैं, किसी ने तुम्हारी पादुका पहचान ली तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा मैं यही द्वार पर खड़ा हूं, तुम जाना। द्रौपदी ने कहा, प्रभु करना क्या है। बोले कुछ नहीं, अंधकार है। एक सौभाग्यवती स्त्री जब आती है किसी वयोवृद्ध के पास और प्रणाम निवेदन करती है तो सहज ही वृद्ध के मुख से निकलता है, सौभाग्यवती भव। तुम अपने नूपुर कंकण और किंकिणी की ध्वनि करती हुई जब पितामह के निकट जाओगी, उनको प्रणाम निवेदन करोगी तो वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। तुम्हें बस केवल प्रणाम करना है, जाओ और प्रणाम करके आओ। द्रौपदी गई भीतर और वही हुआ जैसा प्रभु ने संकेत किया था। द्रौपदी के नूपुर और कंकण की ध्वनि पितामह ने सुनी। अंधकार था, कोई सौभाग्यवती स्त्री है, प्रणाम करती है, सहज ही पितामह ने कह दिया, सौभाग्यवती भव। फिर परिचय पूछा, कौन है। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि मुझे द्वारिकाधीश ने केवल इतनी ही आज्ञा की थी, प्रणाम करना और लौट आना। तो प्रणाम किया और लौट आई, और बाहर आकर क्या देखती है, बाहर आकर देखती है कि द्वारिकाधीश जूती अपने पीतांबर में छिपाए खड़े। स्तब्ध हो गई द्रौपदी के दृश्य देखकर, सजल नयन गदगद स्वर, स्तंभित हो गया द्रौपदी का गात, कंपित हो गया द्रौपदी का देह, विवर्ण हो गया मुख, पुलकित हो गया एक एक रोम, झरझर अश्रु बहने लगे। और मानस कहती है, अस प्रभु छाड़
भजहिं जे आना ते नर पशु बिन पूछ समा। बोले ऐसे प्रभु को छोड़कर जो किसी अन्य का भजन करे तो बोले ऐसा नर तो बोले पूछ के बिना जैसे पशु होता है ना, बोले बस ऐसा ही है। नानक भी कहते हैं कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना धरती में बिना जैसे तरोवर फल बिन हीना जैसे तरोवर फल बिन हीना तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले तेरी बीती जाती उमर हरि नाम बिना तेरी बीती जाती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना सुमिरन कर ले मना सुमिरन कर ले मना। तो क्या था द्रौपदी के पास जिसने विवश कर दिया, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जो सर्व कारण सर्वशेषी सर्व अंतरात्मा सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वव्यापक सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वर ऐसे अद्भुत वैभव संपन्न द्वारिकाधीश विवश होके द्रौपदी की जूती द्रौपदी की पादुका अपने पीतांबर में लपेटे खड़े हैं। भक्ति ये सिद्धि देती है। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई हरे कृष्णा साग विदुर घर खाई झूठे फल सबरी के खाए बहुविध भोग लगाई हरे रामा बहुविध भोग लगाए। जहां जन्म जन्मांतरों के अथक प्रयास क्लिष्ट कर्मों के परिणाम स्वरूप लीलाशुक बिल्व मंगल कहते हैं बोले प्रभु कोई यज्ञ की वेदी सजाकर सुंदर पुरोडाश का निर्माण करके पुरुष सूक्त का आह्वान करके आपको बुलाता है और बेचारा बुलाता ही रह जाता है, आप उसकी ओर दृष्टिपात तक नहीं करते। और एक ये वृंदावन की गंवार गोपांगना है, ये वृंदावन की अपढ़ मूढ़ प्राय ये गोपियां आचार विचार से सर्वथाहीन, इनके आंगन में गौ के गोबर और गौमूत्र की जो कीच है उसमें आप लौटते हैं, न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने आपको क्या प्रिय लगता है। वैसे तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया जब शबरी से कहा कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानो एक भगति करना भक्ति पुनाति मन्निष्ठा शुभाकान उद्धव। देखो जन्मों से संसार का सेवन करते करते संसार का चिंतन करते करते जैसे मैंने अभी कहा कि सत का चिंतन असत का नाश करता है, भगवत चर्चा भगवत भावना कामना का निरोध करती है,
जिस प्रकार भगवत चिंतन असत का नाश करता है, उसी प्रकार विषय का चिंतन, आप विषय का चिंतन करते हैं, आप समझते हैं कि अभी विषय भोगा नहीं, पर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो तन से विषय का भोगना इतना बुरा नहीं है जितना मन से विषय का भोग करना है। तन का विषय में लगना इतना बुरा नहीं है जितना मन का विषय में लगना है। विषय का चिंतन, आपने आपने न खाने योग्य वस्तु खा ली, मान लीजिए आपने अनजाने में न खाने योग्य वस्तु खा ली तो आप वमन कर सकते हैं, लेकिन आपने न सोचने योग्य विषय का चिंतन कर लिया, उसके वमन का कोई उपाय नहीं है, वो आपके अंतःकरण को मैला करेगा, वो आपके मन को दूषित कर देगा, मैला करेगा मन को। इसीलिए मन से विषय का भोगना अधिक दुष्कर है, त्याज्य है, दुस्संग सर्वथा त्याज्यैव। तो जैसे सत्य के चिंतन से असत का नाश होता है, ऐसे विषय के चिंतन से आपके अंतःकरण की पवित्रता नष्ट होती है। इसलिए मैं कई बार निवेदन करता हूं, आपके आपके केवल हाथ पैर की क्रिया में अनुशासन नहीं, आपके चिंतन में भी अनुशासन होना चाहिए। आपके चिंतन में भी अनुशासन हो, कहां आपके मन की वृत्ति जाए और कहां न जाए, किसका आप मन से स्पर्श करें किसका न करें, कौन सा विषय आपके चिंतन के योग्य है और कौन सा नहीं, आप इतने सजग इतने सावधान हो। इसीलिए मैं तो बहुत निजी स्तर पर कई बार चिंतन करता हूं कि आप यदि इस जीवन में एक साधक बन जाएं, जबकि भक्ति सिद्धि प्रदान करती ही है, श्रीमद् भागवत भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि उद्धव, यद्यपि भगवान कपिल देव कह रहे हैं माता देवहूति से, सालोक्य साष्टि सामिप्य सायुज्य सारूप्यमयिकत्व दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, कि मेरा भक्त न भुक्ति चाहता है न मुक्ति, लेकिन मेरे भक्त के न चाहने पर भी उसको ये वैभव प्राप्त होता ही है। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, आप ये विचार कर भोजन करिए कि भोजन से केवल भूख मिट जाए, तो भोजन से भूख तो मिटेगी, लेकिन उसके साथ साथ भोजन, जैसा भोजन आपने किया है उसके अनुरूप रस भी आपके शरीर को प्राप्त होगा, आप चाहें तो भी होगा, आप ना चाहें तो भी होगा। ठीक उसी तरह आप भक्ति करें, आप भगवान से कुछ न चाहें तो भी भक्ति के परिणाम स्वरूप जो सिद्धि, जो तृप्ति, जो अमृतत्व आपको प्राप्त होना है वो होगा। पर भक्ति के मार्ग की सिद्धि क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य, कामना का पूर्ण रूपेण निरोध, यह भक्ति के मार्ग की सिद्धि है। कबीरा मन निर्मल भया, मन का मैल क्या है, अविद्या की विक्षेप शक्ति क्या है, आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो वेदांत का सूत्र है, अविद्या की विक्षेप शक्ति क्या है कि वो आपके मन को बहिर्मुख बनाती है, और मन के बहिर्मुख होते ही, मन जैसे ही भगवान से अतिरिक्त शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से किसी भी विषय का स्पर्श करता है तो उसका एक संस्कार पड़ता है आपके मन पे, और जैसे ही मन पे विषय का संस्कार पड़ता है, आप चिंतन आज करेंगे, हो सकता है आप थोड़ी देर बाद भूल जाएं, लेकिन वो जो विषय का संस्कार आपके मन में पड़ा है, वो जो बीज आपके मन में पड़ा है, वो कभी ना कभी समय पाकर अंकुरित होगा अवश्य। हो सकता है आप कभी भजन में बैठे हो सकता है आप कभी साधन में बैठे हो, उसी समय आपका वो दूषित चिंतन आपके भजन को, आपके साधन को मैला कर दे, आप आगे बढ़ते बढ़ते आप फिर गिर जाएं। इसलिए साधक जो सदा सावधान, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भक्ति तो सिद्धि देती ही है, पर भक्ति के प्रयास में आप एक साधक बन जाएं, यही मानव जीवन की सफलता है। कल मैंने कहा था भक्ति किस लिए, क्या उद्देश्य है भक्ति का, वेयर एग्जैक्टली भक्ति लीड्स टू, कहां ले जाती है ये। तो भक्ति का उद्देश्य केवल यही कि आप साधक बन जाएं, सजग साधक, सावधान साधक, निष्ठ साधक, सच्चे साधक।
आपके जीवन का उद्देश्य हो स्वयं को साधना, स्वयं को भजन के भक्ति के योग्य बनाना। तो यल्लब्धवा पुमान सिद्धो भवति, सिद्ध अर्थात जिसकी कामना का पूर्ण रूपेण निरोध हो गया है। कामना का नष्ट नहीं, कामना का निरोध। नष्ट हो जाने से तो हो सकता है कामना का अंकुरण पुनः हो जाए। जैसे आप एक बीज को बांध कर रख दीजिए तो वो बीज रहेगा, लेकिन आप उसको वस्त्र में बांधकर उस पर जल का छींटा दे दीजिए, वो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन वही बीज यदि अग्नि में भून दिया जाए तो उससे अंकुर होने की संभावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो जिसकी कामना का बीज प्रेम के ताप ने भून दिया है, जिसमें कभी स्वप्न में भी अब किसी कामना का कामना की संभावना नहीं रह गई है, ये यही भक्ति की सिद्धि प्रहलाद जी भगवान से मांगते हैं। यदि राशीश में कामान वरांस्तम वरदर्शभ, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं। नृसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद जी से कि पुत्र तुम पर प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। प्रहलाद जी मन में विचार करते हैं, प्रभु आप मेरे बिना बुलाए आ गए, आपने पग पग पर मेरी रक्षा की, आपने मुझे संभाल कर रखा। जिमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। आपने ऐसे मातृवत मेरी रक्षा की है, मेरा पोषण किया है, मुझे पुष्ट किया है। जिन भावों से आप रीझते हैं उन भावों को कृपा करके प्रदान किया है, इसके अतिरिक्त आपसे क्या मांगूं। पर एक स्थिति ऐसी होती है कि जब भगवान हठ पर अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे कुछ देना ही है, तो भक्त भगवान के सुख के लिए मांगता है। लेकर सुखी हो जाना ये जीव का गुण है, और देकर प्रसन्न हो जाना ये भगवान का गुण है। जब आप जीवन में देकर प्रसन्न हो तो समझना भगवान की कृपा से ये भगवदीय गुण आप में आया है। जब आप देकर प्रसन्न हो, इसीलिए जब आप समृद्ध हो ना भीतर से, तो डोंट रेज योर लेवल ऑफ लिविंग, रेज योर लेवल ऑफ गिविंग। आपकी समृद्धि कहां से पता चलेगी कि आप देते क्या हैं? और कभी भी आप बाहर की किसी वस्तु या पदार्थ से समृद्ध हो नहीं सकते। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक गुब्बारा जब हवा में उड़ता है तो उस गुब्बारे के बाहर अनंत राशि है वायु की, हवा की, लेकिन उस गुब्बारे को ऊपर किसने उड़ाया? जो थोड़ी सी हवा उस गुब्बारे के भीतर थी, उसने गुब्बारे का उत्थान किया है, उसने उसे ऊंचा उठाया है। ऐसे आपके बाहर कितना भी पदार्थ हो, और तो और आपके बाहर कितना भी ज्ञान हो, आप कितनी भी किताब पढ़े हैं, आपको कितनी भी जानकारी है, पर आप समृद्ध तभी होंगे जब वो सद्गुण आपके भीतर आएगा। आपके जीवन का उत्थान तभी होगा, आप भगवदोन्मुख तभी होंगे, आपकी चेतना का, आपकी जीवनी शक्ति का उद्धर्व गमन तभी होगा जब वो सद्गुण आपके भीतर आएगा, जब आप उस आचरण के धनी हो जाएंगे। आचार्य की परिभाषा व्याकरण यही देती है, आचरण करो तीति स आचार्य। केवल कुल में जन्म लेने से कोई आचार्य नहीं होता, केवल वस्त्र वेश से कोई आचार्य नहीं होता, केवल किसी आचार संहिता का पालन कर लेने मात्र से कोई आचार्य नहीं होता। आचरण करो तीति स आचार्य। रविदास जूता गांठते हैं, वो जूता गांठते हैं लेकिन वो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। सदन मांस तौलते हैं लेकिन वो मांस तौलते हुए भी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। जनाबाई गांव की गंवार स्त्री की तरह गोबर का उपला थापती है, लेकिन वो गोबर का उपला थापते हुए भी, बड़ी सुंदर कथा है जनाबाई की, हम भक्ति की सिद्धि की बात कर रहे हैं। क्या है भक्ति की सिद्धि? कबीर जी के मन में एक बार इच्छा हुई कि जनाबाई का दर्शन करें, क्योंकि जनाबाई की बड़ी महिमा सुनी है कि उसका भजन अद्भुत है, विलक्षण।
नामदेव जी से भी अद्भुत, हाँ नामदेव से भी अद्भुत। उपनिषद का वाक्य है, गुरु कौन जो अपने शिष्य को गुरु बना दे, जो अपने शिष्य को गुरु शिष्य नहीं बना रहने दे, जो शिष्य को गुरु कर दे, वो गुरु है, वो सदगुरु है। तो नामदेव जी ने ऐसी कृपा की जनाबाई पर कि जनाबाई भजन में नामदेव जी से भी आगे निकल गई। कबीर जी के मन में बड़ी इच्छा हुई कि चलो जनाबाई का दर्शन करेंगे। पहुंचे पंडरपुर, तो जनाबाई के पास पहुंचे तो उस समय क्या लीला की भगवान ने कि जनाबाई एक दूसरी स्त्री से झगड़ रही थी। अब आप सोचिए, आप किसी साधु महात्मा का दर्शन करने बड़ी लंबी यात्रा करके जाएं और वो साधु हाथ में डंडा लिए किसी से झगड़ता मिले तो सारी श्रद्धा पानी पानी हो जाएगी ना। तो कबीर जी के साथ भी यही हुआ, जनाबाई झगड़ रही थी, और झगड़ भी किसके लिए रही है, गोबर के उपलों जैसी क्षुद्र वस्तु के लिए। तो कबीर जी ने कहा हम तो व्यर्थ ही इतनी लंबी यात्रा करके आए, ये जनाबाई क्या दर्शन करने योग्य है। पर कबीर जी ने मन में विचार किया कि कोई कारण हो सकता है, क्योंकि भक्ति का एक ये भी लक्षण है, भक्ति अपना गोपन करती है। भक्ति का ये सौशील्य है, भक्ति का शील है कि भक्ति अपने आप को आवरण में रखती है, छिपाकर। जैसे कोई नववधु जब जाती है तो ये उसका शील है कि वो अपने आप को आवृत रखे। ऐसे भक्ति का ये शील है, तभी भक्ति भगवान को प्रिय है। शीलवान भगवान का प्रिय बनता है, उच्छृंखल व्यक्ति नहीं। और मैं एक बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, प्राय करके देखा यही जाता है कि प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। इसलिए आपके जीवन में एक उचित मार्गदर्शन सदा रहना चाहिए, सतत रहना चाहिए। आप कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाएं साधन में, लेकिन आपको गुरुजनों की, श्रेष्ठ जनों की, महतजनों की सन्निधि में रहना चाहिए, उनके चरणों की छाया में रहना चाहिए। महाजनो येन गतः सुपंथा, भगवत वाक्य है। कबीर जी ने मन में विचार किया कि इसमें कोई अवश्य कोई रहस्य है, तो जनाबाई से जाकर पूछे कि बोले भाई ये गोबर के उपलों के लिए झगड़ती हो तुम। जनाबाई ने कहा गोबर के उपले नहीं है, वो मेरी माला का मन का है। गोबर का उपला और माला का मन का? बोली हां, मैं उपला थापती हूं तो विठल का भजन करते हुए थापती हूं, और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकती हूं कि मेरे थापे उपले से विठल की ध्वनि आती है। कबीर जी पानी पानी हो गए, गोबर के उपले से एक